हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेमस डिशेस। दिस इज़ काव्या। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल चिकन क्रिस्पी फ्राई। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है और झटपट से बन जाती है। तो आइए चेक करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद उसकी रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। इसे बनाने मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम चिकन। आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने विद बोन लिया है लेकिन छोटे पीसेस में रखा है। ये मसाले लगेंगे, एक चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम लेंगे गरम मसाला, एक चम्मच हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधी चम्मच मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और ज़ीरा, दोनों को साथ में कूट लिया है मैंने, एक चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लावर और दो बड़े चम्मच हम लेंगे बेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे सूखे मसाले एक साथ डाल देंगे उसमें। फिर एक आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें। ये मैंने इन्ग्रीडियंट्स में बताया नहीं था, ये मिस हो गया था, आधा नींबू लगेगा। तो इसका जूस हम इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। डालेंगे नमक स्वादानुसार। फिर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर पाउडर एक बड़ा चम्मच और दो बड़े चम्मच हम डाल रहे हैं बेसन। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये जो है सारे अच्छे से कोट हो जाए चिकन में मसाले। तो हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है, इसे एटलीस्ट हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। आधे घंटे बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करने रख लिया है और हम चिकन पीसेस को उसमें डाल देंगे जब तेल गरम हो जाए। एक साथ आप लगभग 6 से 7 पीसेस फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटी कढ़ाई ली है तो मैं लगभग 6 से 7 पीस एक साथ फ्राई कर रही हूँ। इमीडिएटली आपको टर्न नहीं करना है, 1 मिनट बाद आप टर्न कीजिए। इसे बारी बारी हम दूसरी तरफ पलटेंगे ताकि अच्छे से वो पक जाए, और लो मीडियम फ्लेम में ही रखना है इसे, हाई फ्लेम में नहीं रखना है, नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर छोटे पीसेस लिए हैं इसलिए काफ़ी वक्त नहीं लगेगा फ्राई होने में, लगभग 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, लेकिन आप लो फ्लेम में रखिएगा उसे और बार बार इसे इस तरह से दूसरे तरफ पलट दीजिए ताकि ये अच्छे से सारे तरफ से क्रिस्पी और अंदर से पक जाए। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार लग रहे हैं, अच्छे से रोस्ट हो चुका है, कोटिंग जो है इसकी काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमने इसे 5 से 6 मिनट पकाया है तो ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका होगा। अब हम इसे निकाल लेंगे पेपर टॉवल में या फिर एक टिश्यू पेपर में आप इसे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह आपको बाकी के जो पीसेस है उसे भी फ्राई करके निकालना है। एक मिनट बाद आप इसे टर्न कीजिए। इसी तरह हमें बारी बारी टर्न करते हुए इसे अच्छे से फ्राई करना है और एक अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आने तक हमें इसे फ्राई करना है धीमी आंच में। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आ चुकी है और इसे हमने लगभग 5 से 6 मिनट पकाया है तो अच्छे से वो पक भी चुका है, बिल्कुल तैयार लग रहा है। सारे तरफ से अच्छे से पक चुका है, कोटिंग भी काफ़ी क्रिस्पी है, हम इसे निकाल लेंगे।
हमारी जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, बच्चों को भी बिल्कुल पसंद है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी जूसी है। ट्राई कीजिए, आपके वैल्यूबल कमेंट्स शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।